माता पिता कभी किसी के बैठे हमेशा नहीं रहते। अब समय और गुजरा है, अब तो धुंध का ही ने सारा माल खजाना जितना भी इकट्ठा किया था ना वो सब उड़ा दिया। धन की तीन गति है, सोई धन 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 प्रथम गति राखी। धन सबके पास में होता है थोड़ा या कम, पहले नंबर का धन धन वो होता है जिसकी पहली गति की जाए। पहली गति है दान, दान करना चाहिए धन में से, आधा नहीं न सारा भी नहीं, जैसा दत्त हो वैसा दान, यानी जैसी जिसकी सफाई हो जितना उसके पास धन हो उसी के अनुसार दान करना चाहिए। अरे 10% ना तो 1% कट कर दान दान भी दान के बाद भोग करना और पैसे का बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया गाँव हो, बढ़िया पहनाओ, खर्च करो अपने कामों में, और जो ना दान करता है ना खाता पीता है, जो उस धन को न दान करता है न खाता पीता है, तीसरी गति उस धन की अपने आप हो जाती है। और वो गति क्या है? वो है नाश, उस धन का नाश हो जाता है। बीमारी लग जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाएंगे, देखो वहां कोर्ट कचहरी में इतनी पब्लिक रहते हैं, भूखे प्यासे भटकते रहते हैं पूरे दिन, फिर अगले तारीख लग जाती है, चलो आज नहीं परसों आना, चार दिन बाद आना, महीना भर बाद आना, जिंदगी ऐसे ही झाऊ झटकते हुए निकलती रहती है। तो जो ना दान करते ना भोग करते उस पैसे का नाश हो जाता है। आज वो सारा धन जो था, मधुमक्खी से क्या सीख मिलती है? मधुमक्खी को पराग उनमें से डाले के आती है, मधुमक्खी पराग होता है उसे बड़ा स्वादिष्ट लगता है, मुंह में रख के लाती है मुंह में, लेकिन फिर भी उसे खाती नहीं है वो, समझे? उस पराग को वो खाती नहीं है, उसको भूमि से निकाल के इकट्ठा कर लेती है, इकट्ठा करती रहती है, मतलब उनका पूरा जो रूप है वो माल इकट्ठा कभी नहीं लगा लेता है, और जो उसको भोगता नहीं है उस बाल पर फिर किसी की नजर पड़ जाती है, उस माल पर फिर किसी चोर उतरता की नजर पड़ जाती है, जो फिर इंतजार करता है कि कल तोड़ू परसों तोड़ू, एक दिन ऐसा आता है कि मधुमक्खी के छत्ते को तहस नहस कर देते हैं, ना उन्हें सेहत पानी मिलता, उनके संतान का विनाश होता, घर से बेघर हो जाते हैं, बड़ा दुख पाते हैं, यानी वो सब अस्त व्यस्त उनकी जीवन चर्चा कर जाती है। तो आज धुंधकारी ने धन का तलाश कर लिया, और जब धन नहीं रहा तो क्या करे? बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे जब तो पैसा नहीं मिलता, खर्चे बढ़ गए हैं, तो उनको चोरी करते हैं, चोरी करते हैं। अब यानी धुंधकारी ने क्या काम किया? चोरी करके चालू कर दी, शराब पीता था। एक व्यक्ति आने राजा के महल में डाका डाला, बहुत माल खजाना लूट करके लाया। अब इसकी पांचों वेश्याओं ने ये देखा, अरे सखियों के हाँ ये हमारा पति जो है आज राजा के महल में डाका डाल के बड़ा माल लाया है, और ये चोरी करता है, आज नहीं तो कल पकड़ा जरूर जाएगा, और अगर ये पकड़ा जिस दिन भी गया तो सारा माल खजाना हमसे छिन जाएगा। अरे एक काम ना करें क्या, क्योंकि तो शराब के नशे में तो अंधा है ही, इसे मार लो। अब सब गोली पांचों की पांचों का मारने की बुलाई है, गोली तो अपने जितने भी हार हमें पहने हैं ना एक दिन सब छिन जाएंगे, तो बोले ठीक है या मारो। अब उन पांचों वेश्या ने अपने पति को जो शराब के नशे में था वो चार पाई में रस्सियों से कस कस लट मारे, लट मारने से भी वो नहीं मरा, तो वाकई क्यों अंगारे रहते भाई अंगारे डाले, फिर भी वो नहीं मरा, सशक्ता रहा, ऐसे घटना बंद करके उसको मार दिया, ऊपर से दे दिया चौका। सवेरे धुंधकारी के पुत्र आए, तो धुंधकारी की पत्नी ने कह दिया वो तो बहुत दूर गए मानेंगे। अच्छा अब एक दिन की बात है,
पिताजी का पिंड जला दिया, मेरे पिता की सरगली हो जाए। फिर पता चल कि तुम्हारी मां भी मर गई थी। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, मां मर गई तो मैं उनके लिए भी अपना पुत्र होने का अर्जन पूरा करता हूं। जबकि पास से कष्ट से जो उत्तराण दिलाए वही पुत्र कहता था। अब एक दिन की बात है, गोकुल महाराज अपने गांव में लौट करके आ गए। गांव वालों ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया। जन्मी जन्म भूमि से स्वर्ग कभी गरीय सी, लोगों ने भोजन पानी खूब कराया। गोकुल महाराज बोले ठीक है, लेकिन मैं रात को वही सोऊंगा जो मेरा जन्म जहां पर हुआ था। लोगों ने कहा वो घर द्वार टूट चुका है। अरे तू का मैं उसी जमीन पर ही जाकर के विश्राम करूंगा। तो हुआ क्या, गोकुल महाराज उसी भूमि पर आसन लगा करके रात में विश्राम करते थे। तो उन्होंने क्या देखा, रात में अजीब आवाज सुनाई गई, कभी शेर की आवाज, कभी हाथी की, कभी बिजार की आवाज, कभी मोर की आवाज, कभी हिरण की आवाज, कभी रोने की आवाज, कभी चीखने की आवाज, इस प्रकार की आवाज सुनी गई।
घी खत्म नहीं हो पाया तो दूध पी लेना चाहिए।